बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बीनास किचन में आपको खुश आमदीद। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला से दुआ हूँ कि सब लोग खैरियत से हो, आमीन। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जज़ाकअल्लाह। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स ज़रूर किया करें। आज मेरे किचन में बन रहे हैं पूरी वाले चने, जिसके लिए मैंने चने लिए हैं उबले हुए 2.5 कप। हाफ कप लिया है मैंने ऑयल। मसाले जो मैंने लिए हैं, मैंने लिया है 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है सफ़ेद नमक, 1 टीस्पून ली है मैंने लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने ज़ीरा, 1 चुटकी मैंने लिया है अजवाइन और 1/2 टीस्पून ली है मैंने कलौंजी। चलें शुरू करते हैं। चूल्हे को मैंने ऑन कर लिया था और एक बर्तन में ऑयल चला गया है। इसमें जाएंगे अब तमाम मसाले। मसालों को हमने अच्छा सा भूनना है। इसमें जाएंगे तमाम मसाले और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक, जो मैं आपको दिखाना भूल गई। इसको हमने फ्राई कर लेना अच्छा सा। आंच मैंने हल्की ही रखी है ताकि मसाले जो है ना वो जल ना जाए। नमक मिर्च अगर आपको तेज़ पसंद है तो आप इसको तेज़ भी कर सकते हैं। हरी मिर्चें डाल लें। मैं बच्चों की वजह से हरी मिर्चें ज़रा कम डालती हूँ। ये हमारा मसाला भून गया है, थोड़ा सा पानी का छींटा दें फिर भूनें। मसाले को हमने बहुत अच्छा सा भूनना चाहिए ताकि इसकी जो खुशबू है वो अच्छी सी बहुत आए। आप देख सकते हैं मसाले की शक्ल, मैं आपको उठा के भी दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैंने इसमें चने डाल देने हैं। चनों को हमने इसमें भूनना है 5 मिनट। चनों को हमने 5 मिनट तक अच्छा सा भून लिया। अब इसमें जाएगा 1/4 कप पानी और इसको कवर करके हम रखेंगे 5 मिनट के लिए ताकि जो मसाला है और ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। 5 मिनट हो गए हैं, चने हम देखते हैं। देखें चने हमारे बड़े अच्छे से हो गए हैं। आप इसको ज़्यादा खुश करना चाहते हैं कर ले, नहीं तो ये वाली जो है ना, इसकी ये वाली कंडीशन ये परफेक्ट होती है। चूल्हा मैं ऑफ कर रही हूँ, इसको ढक के ताकि ऑयल अच्छा सा ऊपर आ जाए, फिर इसको डिश आउट करके मैं दिखाती हूँ। चने मैंने डिश आउट कर लिए हैं। आपने देखा कितने झटपट चने बन गए हैं पूरी वाले। आप इसको पूरी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं और ये इंतहाई लजीज बनते हैं और गर्मी के मौसम के लिए तो बेहतरीन ही चीज़ है। मैं आपके लिए लाती हूँ झटपट और डिलीशियस रेसिपीज़। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, जज़ाकअल्लाह। आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और आखिर में इस दुआ के साथ कि ए अल्लाह हमारी मुश्किलात को आसानियों में बदल दे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।